फाइटर मूवी क्या सच में तुम्हारा टाइम डिजर्व करती है? क्या ये मूवी हर वो चीज डिलीवर करती है जिसका इसने वादा किया था? पुलवामा अटैक वाली स्टोरी को ये मूवी किस तरह से दिखाती है? एंड इसी के साथ दो कमियों के बारे में भी बात करूंगा जो आपको जरूर पता होनी चाहिए अगर इस मूवी को तुम देखने जा रहे हो तो वीडियो को पूरा देख लेना। सबसे पहले बात करते हैं मूवी के स्टोरी के बारे में। तो मूवी पुलवामा एंड बालकोट वाले अटैक को एक रेफरेंस पॉइंट की तरह मान करके अपनी खुद की एक फिक्शनल स्टोरी डेवलप करती है, जहां मैंने ऐसा माना था कि ये बालकोट एयर स्ट्राइक को एंड पुलवामा वाले अटैक को ही एक मेन स्टोरी की तरह दिखाया जाएगा। उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला मार दिया जाएगा, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने वाली चीजें डाल दी जाएंगी, उसमें ही थोड़ी बहुत क्रिएटिव लिबर्टी ली जाएगी एंड उस तरह की एक उसी मेन को मेन स्टोरी जो रहेगी ना वो बालकोट वाला ही रहेगा, एयर स्ट्राइक उसी को दिखाया जाएगा, जो कि ट्रू नहीं है। ये मेकर्स इसको मतलब स्टोरी को और आगे एक्सटेंड करते हैं और उसमें पूरी तरह से अपनी फिक्शनल स्टोरी को रखते हैं, उसमें एक्चुअल रियलिटी से ज्यादा कुछ तालमेल रहता नहीं है मूवी का, एंड दैट इज कम्प्लीटली ओके। लेकिन मूवी के लास्ट तक चीजें कुछ ज्यादा ही हद से आगे बढ़ जाती है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। मूवी में जो एरियल एक्शन देखने को मिलता है वो भी काफी अच्छा है। अगर तुमने टॉप गन नहीं देखी हुई है तो तुमको लगेगा भाई क्या ही बवाल बना दिया इन लोगों ने। लेकिन बाय द वे अगर तुमने टॉप गन मूवी ऑलरेडी देखी हुई है तो भी तुमको ऐसे कॉपी टाइप का नहीं लगेगा। वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। सिद्धार्थ आनंद के पास वो अकल बहुत ही ज्यादा है। उन्होंने जो थोड़े बहुत सीन्स को कॉपी किया है उसको भी अच्छे से मूवी के स्टोरी के साथ, फाइट के सिचुएशंस के साथ, टेंशन के साथ एकदम अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। उनको देख करके ऐसा फील ही नहीं हो पाता है कि वो एक्चुअल में कॉपीड है। तो बाय द वे अगर तुमने वो मूवी देखी हुई है तो भी इसको तुम इंजॉय कर सकते हो। लेकिन इसी के साथ बात करें अगर इसके रियल एक्शन सीन्स की, जो डायरेक्ट हीरो विलेन के बीच में फाइट सीन्स हो रहे हैं, वो चीजें थोड़ी ओवर द टॉप चली जाती हैं। इसी के बारे में मैं पहले बात कर रहा था। लाइक मूवी का जो लास्ट वाला सीक्वेंसेस है वहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग की बत्ती बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीजें इस तरह से अजीब सी चीजें दिखाई गई हैं वो मैं यहां पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं, नहीं तो मूवी का मजा स्पॉइल हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ऐसे एक्शन सीन्स में वहां पर आपको कमी लग सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए एज ए पैकेज तो एक्शन काफी अच्छा है। आप इसको डेफिनेटली एंजॉय करोगे देखकर। बात करें एक्टिंग की तो भाई ऋतिक रोशन ने क्या ही कमाल की एक्टिंग की है मूवी में। उनका जो मूवी का कैरेक्टर है पैडी, वो थोड़ा ऐसे एटीट्यूड वाला, ईगो वाला बंदा है एंड वो चीज ऋतिक रोशन के पर्सनालिटी के साथ भी थोड़ा ऐसे मैच कर जाती है, अच्छा लगता है, वही बिल्कुल रियलिस्टिक टाइप का लगता है। एंड इवन जो इमोशनल सीन्स हैं, जो फाइट वाले सीन्स हैं, कुछ टेंशन वाले सीन्स हैं, एक मोमेंट है जहां पर ऋतिक रोशन पाकिस्तान में चला जाता है, POK में चला जाता है एंड आसपास के बहुत सारे फाइटर्स उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं एंड वो जो टेंशन उसके चेहरे पर दिखाई देता है लिटरली फील हो पाता है आपको। तो ये जो एक्टिंग वाला डिपार्टमेंट है ना, इसमें आप कुछ कहना ही नहीं है भाई, बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया है ऋतिक रोशन ने। दीपिका पादुकोण के पास मूवी में करने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं, उनके थ्रू फेमिनिज्म वाला एक मैसेज देने की कोशिश की गई है जो कि काफी अच्छा है, बट मूवी के स्टोरी के साथ उसका कुछ खास ज्यादा तालमेल है नहीं। उसको बस दिखा दिया गया साइड में टाइम पास के लिए, ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं। खैर दीपिका पादुकोण ने अपना काम पूरी तरह से अच्छे से किया है। मूवी के कमियों के बारे में बात करें तो कई ऐसे सीन्स है जहां पर ये मूवी ओवर ड्रामेटिक लगने लग जाती है, इमोशंस को फील कराने की कुछ ज्यादा ही हार्ड कोशिश की जा रही है, ऐसा फील होता है मूवी को देखते टाइम। एक सीन है जहां पर ऋतिक रोशन दीपिका के पेरेंट्स को लंबा चौड़ा भाषण दिया जा रहा है, भाई पहली बार उनसे मिला है तो दो चार बातें बोल दे, पांच बातें बोल दे, वहां से निकल जा, उनको समझना होगा, खुद समझ जाएंगे वो, भाई लंबे इमोशनल स्पीच दिया जा रहा है, लाइक भाई बस बहुत हो गया, अब चुप कर तू। इवन जो देशभक्ति वाली चीजें भी दिखाई गई है ज्यादातर सीन्स में तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मूवी के लास्ट तक कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर वो हद से ज्यादा मेलोड्रामा लगने लगता है। लाइक वो इतने जोर जोर से चीख चीख करके ऐसे वाले डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, वहां पर वो चीजें अच्छे से फील नहीं हो पा रही हैं, वैसा लगता है कि भाई तुम एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हो इसमें, तो वो चीजें थोड़ी सी अप एंड डाउन हो जाती हैं, उसके साथ एडजस्ट कर लेना। मूवी के जो मेजॉरिटी डायलॉग्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लाइक तिरंगे से बेहतर कफन नहीं होता, जो अकेला लड़ता है वो टीम के खिलाफ लड़ता है, फाइट में मैन ऑफ द मैच नहीं होता, ये सारे डायलॉग्स बहुत ही अच्छे हैं, सुनकर के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कुछ एक डायलॉग्स ऐसे भी हैं जो गदर टू वाले कैटेगरी में चले जाते हैं, स्पेशली जो मूवी के क्लाइमेक्स के टाइम पर यूज किए गए, लास्ट में जो डायलॉग्स यूज किए गए वो थोड़ा मेलोड्रामेटिक टाइप का साउंड करता है, ऐसा लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया यहाँ पर। इन सारी चीजों को मैं मूवी की कमियों की तरह ही गिनता हूँ, बट ये कमियां इतनी बड़ी भी नहीं है जिसकी वजह से आप मूवी ही इग्नोर कर दो। मूवी अच्छी है, वन टाइम वॉच ये मूवी डिजर्व करती है। तो बस ये रहे थे आज के इस वीडियो में, मिलते जल्दी को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।